हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, उन सारे मटेरियल्स की डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर वो सारे मटेरियल्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, उन सबको कैटेगराइज किया है और साथ में उनकी डेंसिटी को भी एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप सबके लिए ये वीडियो। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे मटेरियल्स लिखे हैं जो कि जनरली यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। उसमें है कंक्रीट, एस्फाल्ट कंक्रीट, वाटर, वुड, सीमेंट, सैंड, सीमेंट मोर्टार, ब्रिक्स, क्ले, जिप्सम एंड स्टील, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इनकी डेंसिटी देख लेते हैं कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहला है कॉन्क्रीट। तो देखिए कॉन्क्रीट एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मटेरियल है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि बिना कॉन्क्रीट के तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो कॉन्क्रीट होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ओके। सेकंड आता है हमारा एस्फॉल्ट कंक्रीट। तो देखिए कंक्रीट में और एस्फॉल्ट कंक्रीट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एस्फॉल्ट कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है जिसके अंदर कई सारे हम बिटुमिन, इसके अंदर हम बिटुमिनस ऐड करते हैं, ठीक है। बिटुमिन ऐड करने से क्या होता है, जो कंक्रीट होता है वो थोड़ा एक हार्ड सर्फेस प्रोवाइड करवाता है, ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जनरली हम एस्फॉल्ट कंक्रीट का यूज़ पेवमेंट्स वगैरह में करते हैं, जब हम कोई रोड बनाते हैं तब हम इसका करते हैं यूज, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, तब उसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो जो एस्फाल्ट कंक्रीट होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा नहीं होती कंक्रीट से, थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जो एस्फाल्ट कॉन्क्रीट होता है वो नॉर्मल कॉन्क्रीट से कलर में ज्यादा डार्क होता है, यानी कि ये ज्यादा डार्क ब्लैक कलर में होता है, जिसे हम चारकोल कलर भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड है वाटर। तो देखिए वाटर की डेंसिटी हम सबको पता होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और वाटर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत ही ज़्यादा मेन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है जिसके बिना कंस्ट्रक्शन में कुछ भी काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड की। तो देखिए वुड के आगे यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो वुड का जो डेंसिटी होती है वो हमेशा वेरी करती है गाइस, ठीक है। इसका रीज़न होता है क्योंकि देखिए वुड अलग अलग तरीके की आती है, प्लस दूसरी चीज़ जो वुड की जो रेंज होती है वो भी अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है आप कौन से ट्री का पार्ट ले रहे हो, ठीक है, कि वो ट्री का क्या टाइप है, शीशम है, महोगनी है, ओक है, ये सारे अलग अलग जो ट्रीज होते हैं इन सबकी अलग अलग डेंसिटीज होती है, डिपेंड करता है जो इनके एनुलर रिंग्स होते हैं, इनके जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, जो स्टैम्प्स होता है, उन सब पे डिपेंड करती है इनकी डेंसिटी, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें तो 400 से लेकर 700 तक के रेंज में वुड की जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंट। तो देखिए सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो 1400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। सीमेंट हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंक्रीट के अंदर सीमेंट यूज़ किया जाता है, प्राइम मटेरियल होता है, हम सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंड की। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तीन अलग अलग चीज़ों के बारे में, सैंड, क्ले एंड सैंड क्ले, ये दो चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, देखिए सैंड जो होता है उसके ग्रेनुल्स आप इजीली देख सकते हो, एक एक ग्रेनुल्स को आप इजीली देख सकते हो सैंड के अंदर, ठीक है, जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं। और जो क्ले होती है, यहाँ पे हम वेट क्ले की बात कर रहे हैं, क्ले जिसे हम हिंदी में चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। जो क्ले होते हैं उसके जो ग्रेनुल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि आप मतलब अलग अलग नहीं देख सकते, बहुत ही ज़्यादा महीन कण होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, तो दोनों की जो डेंसिटी उनमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर हम सैंड की डेंसिटी की बात करें तो जो सैंड की डेंसिटी होती है वो 1650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, वहीं जो क्ले होता है, क्ले की जो डेंसिटी होती है वो 2080 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। क्ले की जो डेंसिटी होती है वो सैंड की डेंसिटी से काफी ज्यादा हाई होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। रीजन क्यों है, क्योंकि जो सैंड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थिक पार्टिकल्स हैं, क्ले के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थिन पार्टिकल है, बहुत ही महीन पार्टिकल है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार क्या होता है, जब हम कोई सा भी ब्रिक वर्क करते हैं तब हमको सीमेंट मोर्टार का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सीमेंट मोर्टार क्या काम करता है, जो वॉल बनाते हैं तभी ब्रिक्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, बॉन्ड डेवलप करने का काम करता है। तो सीमेंट मोर्टार की जो डेंसिटी होती है वो 1440 के बीच में होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है।
इसके अंदर जो डेंसिटी नॉर्मल सीमेंट की तो हमने 1400 पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा मैंने अभी बताया था। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डेंसिटी ऐड हुई है वो मोर्टार की ऐड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो देखिए ब्रिक्स भी अलग अलग टाइप की होती है, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ ब्रिक्स के बारे में पूरा, ब्रिक्स के टाइप्स के बारे में, तो आप वो वीडियो मेरी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिए तो जो ब्रिक्स होती हैं वो कई सारी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो भी अलग अलग टाइप की हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी वेल कुक्ड होती हैं, कुछ अनबर्न्ड होती हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। तो जो उनकी डेंसिटी होती है वो भी ब्रिक की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो जनरली हम जो लेते हैं वो 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं ब्रिक की डेंसिटी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जिप्सम। देखिए जिप्सम क्या होता है, जिप्सम ये आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ कुछ डायमंड की तरह दिखता है जिप्सम, एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है जिप्सम, एंड इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, बहुत ही अनगिनत मटेरियल होते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं मटेरियल को इंक्लूड किया है जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा स्टील। देखिए स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो स्टील की होती है, ठीक है। स्टील का वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मास काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टील की डेंसिटी हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे मैंने एक साथ मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, ताकि अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको बहुत यूज़फुल रहने वाला है ये वीडियो। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।